हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रोहित एंड वंडरिंग रोम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइस, सुबह के बच चुके 7:30। मैं कल रात गुरुद्वारा में आया था, द नवगांव इन आसाम। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा जाके आएंगे क्योंकि अभी भजन चल रहा है भगवान का। ठीक है, चलते हैं। तो नीचे जाके आते हैं। ठीक है, सुबह सात बजे शुरू हुआ था। एक्चुअली मैं अभी उठा हूँ, मेरे को देर हुआ शायद। तो गाइस, कल रात यही आया था मैं गुरुद्वारा में, अभी अंदर जाते हैं। हाँ, कल रात में ही आया। भजन हुआ यहाँ पे, होने के बाद पाजी से मिला, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने बोला कि मेरे को आप मृत्युंजय मंदिर जाके भी आ सकते हो, बोला कितना दिन भी रहो कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लगा, हम्बल पीपल है यहाँ पे, और गुरुद्वारा में तो हर लोग अच्छे मिलते हैं मेरे को। तो जैसे कि मैं पंजाब में भी था, अमृतसर में, वहाँ पर वही सीन था, बहुत अच्छे लोग होते गुरुद्वारा में। मेरे को स्पेशल एक रूम दिया है लगभग, उन्होंने बोला कि जितना दिन चाहो उतना दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को भी अच्छा लगा, मैं चाबी कहाँ पर रख दिया, यहीं पे। एक्चुअली मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा महामृत्युंजय टेम्पल के लिए, क्योंकि 9:30 वहाँ पे एक फंक्शन होता है, पूजा होती है बहुत बड़ी 9:30। तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी। पाजी तो बहुत अच्छे हैं यार, उन्होंने बोला कितना दिन चाहो उतना दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, मैं अभी जल्दी निकलता हूँ क्योंकि मेरे को महामृत्युंजय टेम्पल जाना है, लगभग यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। तो मैं निकल जाऊँगा अभी जल्दी, फिर वापस आऊँगा और यहीं रुकूँगा शाम को। ओके, बैठा हूँ हाथ गाड़ी में, क्या बोलते इसे भैया, जैसे क्या बोलते साइकिल को, हाँ रिक्शा। तो मैं भैया के रिक्शा में बैठा हूँ, है ना। तो भैया चला रहे, आप देख सकते हो यार कितना मेहनत करते हो, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए मैं इनकी गाड़ी चुना। हालांकि मेरे को टमटम ये वाला था, लेकिन मैं इसी गाड़ी में बैठा हूँ, इसमें मज़ा ही अलग है, लेकिन मेहनत वाला काम है बहुत, है ना। तो अभी मैं पानीगाँव जा रहा हूँ, लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मेरे को महामृत्युंजय टेम्पल के लिए गाड़ी मिलेगी, तो इसलिए मैं चल रहा हूँ इनके साथ। ओके, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस इसमें बैठने में, है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, हैप्पी वाली फीलिंग आती है इसमें। और इसमें बैठ के घूमो ना, अगर आप आसाम में आते हो तो ऐसे गाड़ी बहुत मिलेंगे आपको, रिक्शा, है ना, इसी में घूमते जाओ, ये बहुत मेहनत वाली काम होती है, उनको भी थोड़ा मिल जाता है ना। इसलिए उसको भाड़ा कौन सा
मैं निकल रहा हूँ मंदिर के लिए, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है महामृत्युंजय टेम्पल। हूँ दुनिया की सबसे ऊंची शिवलिंग महामृत्युंजय टेम्पल आसाम में है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। एक्चुअली ये है 126 फीट ऊपर। इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको जाननी चाहिए। वक्त 2001 में क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे जब खदान खोद रहे थे ना, उसमें बहुत सारे शिवलिंग मिले थे। तो उसके बाद सोचा गया कि यहाँ पे एक शिवलिंग बनाया जाए बड़ा वाला, तो इन्होंने बना दिया 126 फीट की शिवलिंग। इसकी इनोग्रेशन में चीफ मिनिस्टर ऑफ भी आए थे जो ओल्ड आसाम के थे। उसके बाद अमित शाह भी यहाँ पे आए थे। गुरु शुक्राचार्य महाराज थे जिन्होंने यहाँ पे बैठ के बहुत सारा मेडिटेशन किया है, तो उसी के वजह से इसका नाम महामृत्युंजय पड़ा है। महामृत्युंजय मंत्र वो बोला करते थे यहाँ पे, तो उसी की हिस्ट्री है। लगभग 126 फीट का ये वाला शिवलिंग है, दुनिया का सबसे ऊँचा है। ओके, महाराज थे, इसके उद्घाटक थे, क्या बोलते हो उसे? यार हंस रहे बंदे यार, आमी अपन यूट्यूबर आइब लाइव ना। ओके ओके, हमको जे बच्चा नाम तो बोलले ना, आसामी समझ में नहीं आता मेरे को। ओके, क्या नाम? वांडरिंग रूबी है ये ना, अंदर कैमरा तो आजू बाजू का एरिया ही दिखाऊंगा आपको। ओके, कितना बड़ा यार शिवलिंग है ये वाला, बहुत ही बड़ा है यार। आप नीचे दिखोगे ना, 125 फीट का है, आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। ओके, बहुत ही बड़ा है। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्या? भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत अच्छा चैनल है। उस तरीके के चार दरवाजे यहाँ पे, लेफ्ट राइट, और ये वाला खुला है। अंदर उसने बोला कि आप शूट नहीं कर सकते हो, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो अंदर बहुत सारे जो पिक्चर है भगवान शिव के है, विष्णु के है, पार्वती माता के है, बहुत सारे पिक्चर है अंदर। अंदर अलग अलग डिज़ाइन में वहाँ पे बना गया है। लगभग जो शालो लगभग क्या बोलते हो उसे, फ्लोर होता है ना, और अलग स्ट्रक्चर है अंदर। लेकिन हालांकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं, फ़ोटो भी नहीं निकल सकते हो अंदर, ये वाली चीज़ है। लेकिन हालांकि बहुत अच्छा है, बहुत ही शांत है अंदर। ओके, उसके बाद वहाँ पे लगभग एक अंदर शिवलिंग है छोटा वाला, वहाँ पे पूजा होता है शंकर महादेव की, तो वही अलग। ओके, बाहर तो आपको मैंने दिखा दिया पूरा सराउंडिंग एरिया, आप ही दिखा दूंगा, प्रॉपर आपको दिखेगा। ओके, ये बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही अच्छा है, प्रीशियस है बहुत। ठीक है, वो गिरी गुरु थे, इन्होंने मंदिर का ये वाला शिवलिंग का उद्घाटन किया था। गाइस अभी भी आया हूँ वहाँ से, अभी भी नोगा में हूँ, अभी वापस जा रहा हूँ गुरुद्वारा, वहीं पे खाना खाया था मैं। ठीक है, अभी गुरुद्वारा जाऊँगा, थोड़ा आराम करूँगा, फिर शाम 5-6 बजे बाहर घूमते हैं यार, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। हाँ यार, बहुत थका हूँ मैं, सुबह 7 बजे से निकल गया था, 9 बजे गया था, सुबह 9 बजे से गया हूँ, अभी आया हूँ रूम पे। क्या है ना कि मैं अभी 5 किलोमीटर चलते आया हूँ, लगभग वो मेरे को छोड़ा पानगाँव के एरिया है वहाँ तक, उसके बाद मैं चलते आ गए 5 किलोमीटर। गाइस लगभग मेरे को 1.5 घंटा लगा वहाँ से आने में, चलते आने में। शाम के 8 बज चुके हैं,
अभी भी उठा हूँ, सोया था यार दोपहर को, महामृत्युंजय टेम्पल गया था ना उसके बाद सो ही गया, मेरे को नींद बहुत लगी थी। अभी भी फ्रेश हुआ हूँ, अभी नीचे जाऊँगा गुरुद्वारा में। ओके पाजी से मिलते हैं यार, मिला ही नहीं आज, अभी मिल के बाहर घूम के आते हैं। गाइस अभी भी आया हूँ और गुरु नानक के द्वार आया था, दर्शन हुआ, अभी थोड़ा बाहर जाऊँगा। अंकल मजाक कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुआ बोल रहे हैं, इतनी उनकी उम्र हुई है अभी 35 तो आराम से, अंकल बोल रहे हैं उनकी शादी नहीं हुई। मजाक कर रहे हैं गाइस, तो है ना मजाक है ना, नहीं नहीं शादी में सच में ऐसे थोड़ा बाहर जाता हूँ मैं। महामृत्युंजय टेम्पल गया था ना तो आने के बाद सो ही गया, नींद लगी उठे। हाँ ब्रह्मपुर। अच्छा। हाँ दोपहर को 2-3 बजे आया, सो ही गया। मेरे पीछे आप देख लो, मेरे को पता नहीं आसम में कुछ लिखा है, लेकिन हालांकि बहुत अच्छा गार्डन है आप देख सकते हो। अभी भी आया था घूमने के लिए ऐसे ही और दिख गया मेरे को, तो आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है यार, इसमें कुछ असम में लिखा है एक्चुअली मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को सुभाष चंद्र बोस दिखे ये वाले मेरे पीछे वाले सुभाष चंद्र बोस दिखे, तो मैं रुक गया यहाँ पे देखते हैं। ओके अभी भी खाना खाया हूँ लगभग, कुछ तो नॉर्मल फूड खाया था, स्ट्रीट फूड 20 रुपये में मिल गया था चाउमीन, अच्छा है। अभी तो कुछ खाऊंगा नहीं क्योंकि दोपहर में ही मैं बहुत खाया था वहाँ महामृत्युंजय टेम्पल में। हालाँकि मैं महामृत्युंजय टेम्पल में थोड़ा खाया था, बहुत ही ज़्यादा खाया था वेज, तो अभी मेरे को फिलहाल भूख नहीं था, हल्का फुल्का फास्ट फूड मैंने खा लिया है। ये वाला रूम है गाइज, ये वाले गुरुद्वारा है ना, बहुत ही अच्छा है यार, बहुत ही हम्बल पीपल है, लगभग होटल ही जैसा है, पूरा रूम मिलता है स्पेशल आपके लिए, तो होटल से बढ़कर है गाइज। और यहाँ के लोग पूछते भी नहीं है कब आओगे कब जाओगे, चाबी रूम का चाबी हमारे हाथ में ही रहता, तो बहुत ही अच्छे पीपल है आप गुरुद्वारा में। ठीक है एक ही गुरुद्वारा है असम में नौगांव में, आप नौगांव में आते हो तो गुरुद्वारा पकड़ लेना यार, बहुत ही अच्छे रूम्स है, बहुत ज़्यादा रूम्स है हालांकि एक होटल जैसा, लेकिन फिर भी दे देंगे आपको, तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है यार ऐसे कोई करता है तो। मेरे को पता है गुरुद्वारा में आप खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, एक तो गुरुद्वारा एक तो मंदिर में आप खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, हालांकि मैं मस्जिद कभी गया ना हूँ मेरे को पता नहीं उसके बारे में। वही चलिए ठीक है, अभी सोने का वक्त हुआ है, आज तो आपको मैंने पूरा महामृत्युंजय टेम्पल दिखाया, इतना बड़ा था ना लगभग 126 फीट का था गाइस, मैं देख के अचंभित हुआ पूरा। 60 रुपये में था तो पूरा पेट भर के खाया वहाँ पे, डबल टेबल चावल दाल लिया तो खाया था, पेट भर गया तो अभी थोड़ा जगह नहीं था तो लाइट खाया पकौड़ा बिकड़ा 10-20 रुपये में, तो अभी वापस रूम पे आया हूँ। अभी कुछ नहीं क्या बोलूँ आपको, बार बार वही बोलूँगा। ठीक है गाइज मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखे, अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगती है तो कमेंट में बोल देना कि ये बात गलत लग रही है भाई, और ये प्रोनाउंसिंग गलत हो रही है, और आपकी ये हरकतें गलत हो रही हैं, तो उसमें मैं सुधार लाऊँगा। चलिए गाइज गुड नाइट।